नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सजावट गोदाम में बम विस्फोट से इलाके में मचा दहशत, दो की हालत गंभीर, वाहन क्षतिग्रस्त, जांच में जुटी पुलिस। कोरोना वैक्सीन को लेकर अस्पताल में ड्राई रन शुरू, डीएम ने अस्पताल का किया निरीक्षण, सिविल सर्जन को दिए निर्देश। दियारा का आतंक, इनामी अपराधी शबनम यादव गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। स्कूल खुलते ही दर्जनों बच्चे हुए कोरोना संक्रमित, कंटेनमेंट जोन में तब्दील हुआ मैया पंचायत। और सड़क दुर्घटना पर विराम लगाने के लिए जिले में लगाया गया डेंजर जोन का बोर्ड, अधिकारियों ने यातायात नियम का पालन करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के काजवली चक मोहल्ले में नीलम इनक्लेव में मौजूद तिलकुट और सजावट के गोदाम में शुक्रवार शाम बम फटने से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। घटना में गोदाम का स्टाफ दीपक कुमार और रिक्शा चालक अवधेश कुमार घायल हो गए। वहीं एक रिक्शा और गोदाम मालिक का मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बम इतना शक्तिशाली था कि 3 मंजिला मकान की सभी खिड़की के शीशे टूट गए, जबकि गोदाम के शटर के फरकच्चे उड़ गए। वहीं घटना की सूचना पर एएसपी पूरन कुमार झा, ततारपुर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में लग गई। नीलम इनक्लेव में किराए पर गोदाम लेकर काम करने वाले नाथनगर बादरपुर निवासी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि लगभग 4 बजे तेज धमाका हुआ, जिसके बाद घायल दीपक कुमार और अवधेश कुमार को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं एएसपी पूरन कुमार झा ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है, जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाएगा। सामान रिक्शा में लोड करा रहा था, उसी क्रम में कोई विस्फोट हुआ है। हाँ, एक रिक्शा चालक के उसके हाथ पैर में मामूली चोट आई है। घटना के कारणों की छानबीन की जा रही है। जी हाँ, हम लोग फॉरेंसिक से बुला करके पूछेंगे कि किस तरीके से हुआ। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगा लेंगे कि एग्जैक्ट जगह कहाँ है जहाँ बम फटा था और किस किन कारणों से, किन परिस्थिति में किस आदमी के द्वारा बम विस्फोट किया गया है। भागलपुर जिले में कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। शुक्रवार को शहर के 3 अस्पतालों में वैक्सीन देने का रिहर्सल किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह को अस्पताल में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही डीएम ने डिजिटल एक्सरे की सेवा जल्द शुरू करने की बात कही। वहीं डीएम ने घूम घूम कर सदर अस्पताल का निरीक्षण भी किया। शुक्रवार को शहर के सदर अस्पताल, हुसैनाबाद स्वास्थ्य केंद्र और मंगलम अस्पताल में ड्राई रन का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सक समेत कई स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए। इस दौरान मरीजों को कोरोना वैक्सीन देने की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि वैक्सीनेशन के बाद मरीज को अन्य कमरे में आधा घंटा तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा, ताकि वैक्सीन का साइड इफेक्ट होने पर दूसरी दवाई देकर रिएक्शन को समाप्त किया जा सके। बता दें कि भागलपुर शहर की साफ सफाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों को भी कोरोना के टीके दिए जाएंगे। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी, दूसरे चरण में नगर निगम और इसके बाद पुलिस कर्मियों को वैक्सीन लगाए जाएंगे। मिशन का काम शुरू होने जा रहा है पूरे राज्य में, आप कह सकते हैं पूरे देश में। उसको लेकर के आज ड्राई रन है सभी जिलों में, तो उसी के क्रम में ड्राई रन को देखने के लिए, निरीक्षण के लिए आज हम यहाँ आए हुए थे। तो उसी क्रम में अस्पताल का भी हम लोगों ने भ्रमण किया और जो डिजिटल एक्सरे की सुविधा यहाँ नहीं है उसको जल्दी से जल्दी शुरुआत कराने के लिए सिविल सर्जन और डीपीएम को कहा गया है। वैक्सीन दिया नहीं जा रहा है, वैक्सीन देने का रिहर्सल किया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन जो इसका कोरोना का वैक्सीनेशन होगा वो उसमें कुछ स्पेशल प्रिकॉशन लेना है और उसका स्पेशल प्रोसीड्योर है जो कि टेक्निकली जो है सो एडवांस प्रोसीड्योर उसको फॉलो करना है, तो उस टेक्नोलॉजी के रिहर्सल यहाँ चल रहा है। पुलिस जिला नवगछिया में शुक्रवार को दियारा का आतंक और 25,000 रुपए का इनामी अपराधी शबनम यादव को उसके 2 सहयोगियों और बड़ी मात्रा में हथियार के साथ एसटीएफ एवं नवगछिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात शबनम यादव एवं उसके सहयोगियों की बीहपुर के गोरैया दियारा में छुपे होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा दियारा क्षेत्र की घेराबंदी कर कुख्यात को धर दबोचा गया। एसपी ने बताया कि छापेमारी में शबनम यादव के सहयोगी वकील यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कुख्यात 25,000 इनामी शबनम यादव नवगछिया, खगड़िया एवं मधेपुरा जिले के दियारा क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बन चुका था,
जिस पर विभिन्न थानों में लूट, अपहरण, हत्या आदि के 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस कप्तान सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि शबनम यादव की गिरफ्तारी से दियारा क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी। फिलहाल एसटीएफ एवं पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। रात में टीम यहां से मूव कर चुकी थी, रात भर उसके घर को कॉटन किया गया, सुबह में रेड किया गया, रेड करने क्रम में सर फायर भी किया गया। हमारे पदाधिकारी, हमारी पुलिस टीम जवानों ने साहस का परिचय देते हुए बिना किसी क्षति का उन्हें गिरफ्तार करने में सफल हुए। गिरफ्तार करने में जो सक्रिय 3 अपराधी उनके साथ में थे, अन्य कोई और भी थे जिनका नाम पता हम पता कर रहे हैं, जो सक्रिय 3 थे वो भागने में सफल रहे और 3 गिरफ्तारियां की गई थी। साथ ही साथ 3-4 ये देसी कट्टा बरामद हुआ है, 65 लाइव जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है और जो फायर किए थे हमारी पुलिस टीम पे 6 खाली खोखा भी बरामद किया गया है। इसके अलावा 20,100 रुपये बरामद किया गया, 5 मोबाइल बरामद किया गया। मुंगेर जिला में एक बार फिर से कोरोना का कहर जारी हो गया है। कोरोना के कहर का नया मामला जिला के असरगंज प्रखंड से आया है। बता दें कि प्रखंड के लाल बहादुर शास्त्री किसान उच्च विद्यालय ममई के चालू होते ही इस विद्यालय के 25 बच्चे जांच के क्रम में कोरोना संक्रमित मिले हैं। साथ ही विद्यालय के 3 शिक्षक भी कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमित सभी छात्र छात्राएं 11 से 14 वर्ष की उम्र के हैं और सभी बच्चे अमैया गाँव के हैं। स्कूली बच्चे के संक्रमित होने की खबर से इलाके के ग्रामीण काफी भयभीत हो गए हैं और जिला प्रशासन के बीच भी हड़कंप मच गया है। मामले को लेकर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार भारती ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम रेंडमली विद्यालय जांच करने गई थी, जिसमें यह मामला सामने आया। स्कूल में संक्रमित छात्र के मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट कर इलाके को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। सिविल सर्जन ने प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को संक्रमित बच्चों के परिवार का भी जाँच करवाने का निर्देश दिया है। साथ ही मुंगेर वासियों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। ये कोविड की भयावहता को हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये स्कूल स्टार्टअप की जो बात हुई है और उसमें बच्चे की स्क्रीनिंग हुई है, ये थोड़ा चौंकाने वाला चीज़ है कि कोविड अभी बहुत गया नहीं। हम लोग ऐसे तैयारी पूरी कर चुके हैं असरगंज में। आज के समय में सड़क दुर्घटना एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। आए दिन सड़क दुर्घटना में दर्जनों लोग काल के गाल में समा रहे हैं। दुर्घटना का प्रमुख कारण शहर में डिवाइडर, सड़कों पर बने तीखे मोड़ एवं स्पीड ब्रेकर है, जिसकी वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होती है। कई तीखे मोड़ तो ऐसे हैं जिसका अपना अलग इतिहास है और वो स्थान लोगों के बीच डेंजर जोन के नाम से जाना जाता है। वहीं सड़क दुर्घटना को कम करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से भागलपुर जिले के कई डेंजर जोन या संभावित दुर्घटना क्षेत्र में जागरूकता के लिए बोर्ड लगाया गया। इसके पूर्व भागलपुर परिवहन कार्यालय सह सुविधा केंद्र से अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह और अधिकारियों ने डेंजर जोन में लगने वाले बोर्ड से लदे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि पूर्व में परिवहन विभाग की ओर से जिले में करीब 27 डेंजर जोन चिन्हित किया गया था और अब बाईपास की शुरुआत होते ही और भी कई चौक चौराहे डेंजर जोन के दायरे में आ गए हैं। शुक्रवार को CTSP पूरन कुमार झा, जिला परिवहन पदाधिकारी फिरोज अख्तर समेत संस्था से जुड़े सदस्यों ने संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह की मौजूदगी में डेंजर जोन का बोर्ड लगाया। वहीं नाथनगर दोगच्छी चौक के समीप बोर्ड लगने के बाद IPS अधिकारी पूरन कुमार झा ने संस्था के कार्यों की सराहना की और आम लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही डॉक्टर अजय ने कहा कि नारायण हृदय संस्था कोलकाता की ओर से अभियान को सफल बनाने में सहयोग किया गया था। आज जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा डेंजर जोन पर हम लोगों ने बोर्ड लगाने का शुरुआत किया। इसके हमारे पूरे गाड़ी का उद्घाटन झंडी दिखाकर DTO भागलपुर ने किया और ASP पूरन झा ने खुद जाकर पहला बोर्ड में सीमेंट बालू दिया। तो इस तरह से आज हमारा डेंजर जोन पर बोर्ड लगाने का मुहिम का शुरुआत हो गया है। टोटल 30 बोर्ड हमें लगाने हैं पूरे भागलपुर जिले में और आज हम लोगों ने दोगच्छी से इसका शुरुआत किया। नवगछिया रंगरा प्रखंड के जहांगीरपुर बैंसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण 13 घर जलकर राख हो गए।
घटना को लेकर बताया गया कि शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे बिजली के तार से निकली चिंगारी से फूस के घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें एक दर्जन से अधिक घर जल गए और घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना फायर ब्रिगेड एवं स्थानीय पुलिस को देते ही दमकल वाहन मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक देर हो चुकी थी और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर गौशाला परिसर में शुक्रवार को शहर में हवाई सेवा चालू करने की मांग को लेकर सजग प्रहरी की ओर से आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन हुआ। पत्रकारों को संबोधित करते हुए संयोजक रामगोपाल पोद्दार ने कहा कि भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा 4 वर्ष पहले मिल चुका है, लेकिन शहर का दुर्भाग्य है कि हवाई सेवा व अन्य स्मार्ट सेवाओं से शहर अब तक वंचित है। उन्होंने कहा कि राजधानी पटना के बाद अन्य शहरों के मुकाबले भागलपुर दूसरे पायदान पर है, लेकिन विकास के मामले में रेशमी शहर सिर्फ राजनेताओं के चुनावी हथकंडे का नमूना बनकर रह गया है। रामगोपाल पोद्दार ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि कुछ लोग विकास चाहते हैं, फिर भी ऊपर बैठे पदाधिकारियों के कारण यह सिर्फ कागजी पन्नों में ही सिमट कर रह जाता है। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि 10 जनवरी को एक कमेटी का गठन कर भागलपुर वासियों को हवाई सेवा का लाभ दिलवाने का तमाम प्रयास किया जाएगा। मौके पर गिरधारी केजरीवाल, अश्विनी जोशी मोंटी, अमिता कौशिक, सुमित जैन सहित कई लोग मौजूद थे। इसी क्रम में सबसे बड़ा दुर्भाग्य की तो बात यह है कि भागलपुर का जो सिल्क व्यवसाय है, सिल्क की नगरी कही जाती है, लेकिन जो देश विदेश के जो इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, वो भागलपुर हवाई सेवा के चलते नहीं आ पाते हैं, जिसके चलते यहाँ का सिल्क व्यवसाय भी ठप हो गया है। तो हम लोगों ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सोचा और समझा कि अब भागलपुर की जनता को ही सक्रिय होना पड़ेगा, और भागलपुर की जनता अगर जाग जाएगी तो निश्चित रूप से भागलपुर, क्योंकि जब छोटे छोटे शहरों, सरकार का एक स्कीम है जिसके अंतर्गत छोटे शहरों में भी हवाई उड़ान होनी है, तो भागलपुर इतना बड़ा मुख्यालय होने के बावजूद हवाई सेवा क्यों नहीं है। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सनौला मोड़ चेक पोस्ट के समीप जगदीशपुर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद करने में सफलता पाई है।
थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जगदीशपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में दलबल के साथ सन्होला मोड़ पर तलाशी अभियान चलाया। इसी क्रम में टाटा मैजिक गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें रूई के अंदर छिपाकर रखे गए 59 कार्टून से 1416 बोतल और 531 लीटर शराब बरामद की गई। वहीं वाहन चालक पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा शराब तस्करों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के बावजूद शराब माफिया शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। भागलपुर एसएसपी के निर्देश पर शुक्रवार को नाथनगर थाना क्षेत्र दोगच्छी बाईपास के समीप भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया। वहीं इस क्रम में पुलिस कर्मियों ने ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, प्रदूषण रजिस्ट्रेशन समेत अन्य कागजातों की जांच की। साथ ही यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों से उचित जुर्माना भी वसूला गया और सभी वाहन चालकों को ट्रैफिक नियम का पालन करने की नसीहत भी दी गई। मुख्य डाक महाध्यक्ष पटना के आह्वान पर प्रिया बापू अमर हैं अभियान के तहत शुक्रवार को भागलपुर में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भागलपुर डाक प्रमंडल के अधीक्षक राम परीक्षा प्रसाद ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 1949 प्रतिभागियों ने लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर की बेटी सुश्री मधुलिका ने पत्र लेखन प्रतियोगिता में पूरे बिहार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर भागलपुर का नाम रोशन किया है, जिसके बाद मधुलिका को 25,000 का चेक पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम पटना में होना था, पर कोविड-19 के कारण पुरस्कार का वितरण भागलपुर में किया गया। मौके पर डाकपाल सुनील कुमार सुमन, डाक निरीक्षक आर के राजू समेत कई डाककर्मी एवं प्रतियोगी मौजूद थे। प्रोन्नत कन्या मध्य विद्यालय गोविंदपुर में गुरुवार को विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए प्रधानाध्यापक मोहम्मद इस्तियाक अहमद के सम्मान सविदाई समारोह का आयोजन विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को फूलमाला, अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और उपहार देकर सम्मानपूर्वक विदाई दी। समारोह में विद्यालय की छात्राओं द्वारा विदाई गीत की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संचालन प्रोन्नत मध्य विद्यालय पंजवारा के शिक्षक आदित्य कुमार झा ने किया। भागलपुर के ततारपुर लाल कोठी स्थित श्री जैन श्वेतांबर अलौकिक पार्श्वनाथ मंदिर में शुक्रवार को जैन समाज के लोगों ने भगवान पार्श्वनाथ का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। महोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले जन्मोत्सव पर लोगों ने पूजन और आरती का आयोजन किया, साथ ही प्रसाद का वितरण भी हुआ। वहीं सचिव महिपाल जैन एवं प्रवर्तक पंकज कुमार ने बताया कि जैन धर्म पुराणों के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ को तीर्थकर बनने के लिए पूरे 9 जन्म लेने पड़े थे। मोहित जैन, आनंद चंद्र जैन, अभिषेक और राजेश लाल ने कहा कि भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं और हर साल इनका जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इधर कार्यक्रम में नेपाल, कोलकाता, जयपुर, गुवाहाटी सहित कई राज्यों से श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान कोलकाता से आए मोहित जैन की ओर से एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। आज भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्मोत्सव हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। विगत कई सालों से ये कार्यक्रम होते आ रहा है, इस बार भी धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सजावट गोदाम में बम विस्फोट से इलाके में मचा दहशत, दो की हालत गंभीर, वाहन क्षतिग्रस्त, जांच में जुटी पुलिस। कोरोना वैक्सीन को लेकर अस्पताल में ड्राई रन शुरू, डीएम ने अस्पताल का किया निरीक्षण, सिविल सर्जन को दिए निर्देश। दियारा का आतंक, इनामी अपराधी शबनम यादव गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। स्कूल खुलते ही दर्जनों बच्चे हुए कोरोना संक्रमित, कंटेनमेंट जोन में तब्दील हुआ मैया पंचायत। और सड़क दुर्घटना पर विराम लगाने के लिए जिले में लगाया गया डेंजर जोन का बोर्ड, अधिकारियों ने यातायात नियम का पालन करने की अपील। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।